दोस्तों। सो दोस्तों, आज की वीडियो के अंदर मैंने आपको दिखाया है कि आप VNB एडिटर एप्लीकेशन से ट्रांजिशन और शेक इफेक्ट का यूज़ करके न्यू ट्रेंडिंग वर्सेस स्टेट्स कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो हम चले जाते हैं VNB एडिटर एप्लीकेशन में। सो दोस्तों, हम आ चुके हैं VNB एडिटर एप्लीकेशन के अंदर। यहाँ पे प्लस वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। हम क्लिक करने के बाद न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे सेटिंग वाले ऑप्शन पे चले जाना है और यहाँ से जो फ़ोटो वाला जो ड्यूरेशन है इसको हमने 1 सेकंड रख लेना है। 1 सेकंड रखने के बाद बैक चले जाना है। बैक जाने के बाद आपने ये वाली वीडियो है, ये आपको डिस्क्रिप्शन लिंक मिल जाएगी इसकी, टेलीग्राम से आप डाउनलोड कर लें। और आपने यहाँ से 10 फ़ोटो को सिलेक्ट कर लेना है और एक वीडियो डालकर 11 आपने टोटल यहाँ से सेलेक्ट कर लेनी है। मैं यहाँ से 11 फ़ोटो को सिलेक्ट कर रहा हूँ। आप यहाँ से 11 फ़ोटो अपनी सिलेक्ट कर लें और आपने यहाँ ब्लू वाले ऑप्शन पे क्लिक करके ओके कर लेना है। मैं यहाँ पे ओके कर लेता हूँ। ओके करने के बाद आपने सबसे लास्ट में चले जाना है। एंड पे जाने के बाद आपने ये जो ब्लैक वाली लेयर है इसको आपने क्लिक करके यहाँ से डिलीट वाले ऑप्शन पे क्लिक करके डिलीट कर लेना है और फर्स्ट पोजीशन पे चले जाना है। फर्स्ट पोजीशन जाने के बाद यहाँ म्यूजिक वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ से आपने म्यूजिक ले लेना है। मैं इस म्यूजिक की भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप टेलीग्राम पर जाकर इसको डाउनलोड कर लें। मैंने इस पर बीट वगैरह सब सेट करके रखे हुए हैं, आप इसको डाउनलोड करके तो यूज़ कर सकते हैं। मैं म्यूज़िक बीट पे चले जाता हूँ और यहाँ से देखें मैंने जो जहाँ जहाँ पे भी मैंने फ़ोटो लगानी है, आपने भी फ़ोटो लगानी होगी तो ये मैंने बीट पहले से सेट करके रखे हैं। आप इसको टेलीग्राम से, हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, इसका आपको प्रोजेक्ट मिल जाएगा। ये देखिए मैंने यहाँ पर जैसे बीट आपने सेलेक्ट करनी है, अगर आपको बीट वाले ये नहीं मिलेगा तो आप यहाँ से बीट इस तरह सेलेक्ट कर सकते हैं, वरना आपको बीट वाले ये म्यूज़िक मिल जाएगा टेलीग्राम से। इस तरह आपने एक एक बीट सेलेक्ट कर लेनी है। तो मैंने बीट पहले सेलेक्ट करके रखे हुए है, मैं आपको यहाँ से ओके करके ओपन करके बता रहा हूँ। जहाँ जहाँ पर हमारी बीट सेलेक्ट है इस हमने फ़ोटो लगानी है और ओके वाले ऑप्शन में क्लिक करना है। फिर ओके वाले ऑप्शन में क्लिक करके अपने आगे चले जाना है यहाँ पे, और यहाँ पे जहाँ जहाँ भी हमारी बीट सेट है इसके हिसाब से हमने अपनी फ़ोटो को यहाँ से इस बीट के हिसाब से हमने कट कर लेना है। मैं पहली बारी फ़ोटो को यहाँ पे सेलेक्ट कर रहा हूँ और बीट के हिसाब से हमने बीट के ऑप्शन में क्लिक करना है और यहाँ से फ़ोटो को कट कर लेना है। फिर नेक्स्ट वाली बीट को क्लिक करना है और फ़ोटो वाले ऑप्शन में क्लिक करके यहाँ से इसको स्प्लिट कर लेना है, यानी फ़ोटो को कट कर लेना है। मैं सभी फ़ोटो को इसी तरह जल्दी जल्दी में कट कर लेता हूँ। तो दोस्तों, हमारी फ़ोटो यहाँ पे जो इमेजेस है सभी फ़ोटो यहाँ पे मैंने कट कर लिया है, कट करने बीट के हिसाब से कट कर लिया। कट करने के बाद इसके फर्स्ट पोजीशन पे चले जाना है और यहाँ पे आपने जो फ़ोटो वाले ऑप्शन में क्लिक करना है और यहाँ इफ़ेक्ट वाले ऑप्शन में क्लिक करके यहाँ पे आपने जो इफ़ेक्ट डालना है वो इफ़ेक्ट है जूम इन का जो इफ़ेक्ट है, इसको क्लिक करके आपने पूरी फ़ोटो पे लगा लेना है और ओके वाले ऑप्शन में क्लिक करना है। और ये हमारा जो पहले वाला इफ़ेक्ट है ये लग चुका है। हम दूसरी वाली फ़ोटो पर क्लिक करेंगे और इफ़ेक्ट वाले ऑप्शन में चले जाएँगे और यहाँ पर आपने जूम आउट वाला जो इफ़ेक्ट है उसको आपने सेलेक्ट करना है और यहाँ पे ओके वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। इसी तरह आपने एक फ़ोटो पे जूम इन का इफ़ेक्ट लगाना है और एक जूम आउट वाला, तो आपने सभी फ़ोटो में ऐसे ही कर लेना है। एक बार जूम इन का इफ़ेक्ट लगा लेना है और दूसरे पे जूम आउट वाला इफ़ेक्ट लगा लेना। और मैं यहाँ से सभी फ़ोटो में जल्दी जल्दी इफ़ेक्ट लगा लेता हूँ। इसी तरह एक पे जूम इन और एक पे जूम आउट वाला इफेक्ट लगा के हमें ओके वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। सभी फ़ोटो पे इसी तरह इफेक्ट लगा के फिर कंटिन्यू करते हैं।
तो दोस्तों जो हमारी सभी फ़ोटो है सभी पे इफेक्ट लग चुके हैं, हम इसके फर्स्ट पोजीशन पे चले जाते हैं। जाने के बाद आपने यहाँ से ट्रांजिशन ऐड करना है, यहाँ प्लस वाले ऑप्शन पे क्लिक करके आपने यहाँ से यहाँ पे एक जूम वाला जो ट्रांजिशन है इसको सेलेक्ट करके आपको अप्लाई टू ऑल पे क्लिक करना है, और ये सभी जो आगे फ़ोटो होगी सभी पे ये अप्लाई हो जाएगा। ये देखिए सभी फ़ोटो पे ये जूम वाला जो ट्रांजिशन है ये सभी पे अप्लाई हो चुका है। अब हम इस वीडियो को ओपन करके देखते हैं। तो दोस्तों इसके बाद आपने एक्सपोर्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करके इस वीडियो को एक्सपोर्ट कर लेना है। तो दोस्तों बस फिलहाल वीडियो में इतना ही, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक कमेंट और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें, और इस तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं किसी और नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, टिल देन एंड गुड बाय।